नहीं में है ना मुसलमान खतरे में है, मोदी जी की कुर्सी खतरे में है। तो मोदी हो या योगी हो, नाम तो दोनों ढोंगी है। अयोध्या में बुलडोजर चल रहा है, लू मॉल में नमाज पढ़ लिया गया तो आपको बड़ी दिक्कत हो जाती है। प्रधानमंत्री जी 11 लाख रुपए लीजिए और पद से इस्तीफा दीजिए। नहीं, अशोक स्तंभ का अनावरण हुआ, सबसे पहले फोटो। पांडे जी, लखनऊ का लुलू मॉल इस समय बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ, क्या कहेंगे उसके लिए? आप जैसे अंधभक्तों को लुलू मॉल ही याद आएगा, देश में बेरोजगारी की बात याद नहीं आएगी, देश में महंगाई की बात नहीं याद आएगी। अगर लुलू मॉल में नमाज पढ़ लिया गया तो आपको बड़ी दिक्कत हो जाती है। अंधभक्त वाला काम करते हैं, देश में नफरत के नाम पे नफरत फैलाने का काम किया आप लोगों ने। इस देश की जनता को लिए रोजी रोटी कपड़ा मकान चाहिए, लेकिन आप लोगों ने देश की जनता को गुमराह करने का काम किया कि लुलू मॉल और ये। आप बताइए, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में आप स्विमिंग पूल आपको लहाने के लिए बनाया जा रहा है। आपने देखा श्रीलंका का हाल क्या हुआ? अरे माननीय योगी जी, माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी, मोदी जी ने देश को बेचने का काम किया, मोदी जी ने देश की जनता को गुमराह करने का काम किया। आपने देखा संसद भवन में कौन से शब्दावली पे बैन लगाया? आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आप भ्रष्ट नहीं बोल पाएंगे, देश के प्रधानमंत्री को आखिर क्या करना चाहते हैं? तानाशाही नहीं बोलेंगे? क्यों नहीं बोलेंगे? आप जैसे लोग अक्सर बोला करते हैं। नहीं, आप बताइए देश के, अगर देश के प्रधानमंत्री सत्ता को पलट के विधायक खरीद प्रयोग करके अगर तानाशाही करेंगे, हम तानाशाही नहीं बोलेंगे। अगर वो भ्रष्टाचार करेंगे तो हम भ्रष्टाचार नहीं बोलेंगे, शिष्टाचार बोलेंगे। निकम्मा को निकम्मा नहीं बोलेंगे तो क्या यार बोलेंगे? आप बताइए पहले, सुनिए, भारतीय संस्कृति आप बताइए। भारतीय संस्कृति में धर्म को नहीं बेचा जाता, राम के नाम पे चंदा नहीं लूटा जाता, देश की जनता का खून नहीं चूसा जाता, महंगाई की मार नहीं की जाती। लेकिन ये समझ में नहीं आएगा, देश के प्रधानमंत्री जनता के द्वारा प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं, ना कि प्रधानमंत्री को लाके उठा के बैठा दिया जाता है। आखिर आप बताइए इस देश के साथ क्या किया जा रहा है? जब उद्घाटन करने गए और यूसुफ के साथ साथ में बैठ में गाड़ी में ट्रेवलिंग कर रहे थे, तब जनता तब नहीं वो हुआ, तब नहीं दिखा गया, तब योगी जी को धर्म नहीं दिखा, तब हिंदुत्व खतरे में नहीं था। और देश की जनता को जब सत्ता की कुर्सी और सत्ता की मलाई चाटनी है तब देश का हिंदू खतरे में। हम जाके रामायण पढ़ेंगे। अरे भाई, देश में रामायण पढ़िए, गीता पढ़िए, अपने घर में नहीं पढ़ा जाता है। अपने हिंदू वहाँ सभा, ये कौन सी सभा है? ये RSS बजरंगी नारंगी, ये सब कौन सभा है? ये सभा है, ये बजरंगी और नौटंकियों का बंदरबाजी किया जा रहा है। देश की जनता को हिंदू और मुसलमान के नाम पे गुमराह किया जा रहा है, और एक तरफ आप फंडिंग देके लुलू मॉल का उद्घाटन करवा रहे हैं। सबसे ज्यादा सरकार का पैसा लगाया जाता है लुलू मॉल के नाम पे। आप बताइए इन्होंने गुमराह करने का काम किया। अरे लोग हैं कि मुसलमान लोग नहीं, ये मुसलमान के साथ योगी जी घूम रहे। हाँ, वही तो कह रहा हूँ। अरे योगी जी, आप बताइए, वही तो कह रहा हूँ। देश की जनता को नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। जिस तरह से आपने देखा श्रीलंका में तमिल और सिंगला के बीच में राष्ट्रवाद की बात होगी, अब राष्ट्रवाद की बात होगी क्योंकि देश को कंगाल किया आपने। राष्ट्रवाद के नाम पे श्रीलंका लोग बहुत राष्ट्रवाद कर रहे थे। मैंने थेर पाला होता तो शेर दहाड़ता है ना, कि शेर शब्दों पे लगाम लगाता है ना, कि दहाड़ लगा रहा है, डर लगा हुआ है, दहाड़ रहा है शेर। शेर दहाड़ नहीं रहा। अच्छा, देश के प्रधानमंत्री को निकम्मा अगर बोला जाए, अगर भाई निकम्मा क्यों ना बोला जाए, आपने 8 साल में देश का बंटाधार किया तो आपको निकम्मा नहीं बोलेंगे। आपने देश की जनता के साथ जुमलेजीवी का काम किया, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का बात किया था। अगर रोजगार आप नहीं दे पाए तो आपको जुमला जीवी नहीं बोलेंगे। आप बड़े गर्व से आंदोलन जीवी बोल देते हैं, लेकिन आपको जुमला जीवी भ्रष्टाचारी और ऐसे। आप जाएंगे अगर पाकिस्तान में, नहीं आप वहाँ पाकिस्तान में जाएंगे, आप नमाज सबरी के साथ सेवई खा के आएंगे तो आपको क्या कहा जाएगा? देश के साथ आपने यारी करी है, क्योंकि आप कहेंगे पाकिस्तान थर थर कांपता है। देश की जनता को आप घरों में थर थर कांपाने का काम कर रहे हैं। आप देश की जनता जब सड़क पे उतरती है तो आप लाठी और डंडों से और बुलडोजर से डराने का काम करते हैं। देश की जनता अब डरेगी नहीं, अब सरकार से सवाल पूछेगी, क्योंकि भारत युवाओं का देश है। आज जिस तरह से आर्थिक व्यवस्था चरमराई हुई है, और भारत में जो कहते थे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते थे, जो कहते थे मेक इन इंडिया की बात करते थे, जो कहते थे डिजिटल इंडिया में देख रहे हैं 5G अडानी और अंबानी को दिया जा रहा है, आपको क्या मिल रहा है? आपका रिचार्ज महंगा हो रहा है, आपको 5 किलो राशन दिया जा रहा है, डाटा महंगा, आटा महंगा, सोना पे 3%। अरे सोना दिया, सोनार को पायल बना दिया, क्या बात है? सोना पे 3% जीएसटी है, 3% आटा पे 5%। तो आपके हाथ में भी कटोरा आ जाएगा। मैं कह रहा हूँ, जब आटा किसानों के घरों में था, जब गेहूं किसानों के घरों में पैदा होता था,
तब 12 रुपए किलो था, और जब अडानी के यहाँ पहुंचा तो 100 रुपए किलो आटा पहुंच गया, क्योंकि वहाँ क्या हो रहा है, जिस तरह से देश की तरक्की में मोदी जी का योगदान कर तो रहे, अरे देश की तरक्की में मोदी जी का योगदान है, मोदी जी ने कितने देश की तरक्की में अपना योगदान दिया है। आप बताइए, इसराइल एक यहूदियों का देश है, आपने देखा होगा वहाँ का प्रधानमंत्री पहले सेना में जाता है, उसके बाद वो वहाँ का प्रधानमंत्री बनता है। हमारे प्रधानमंत्री जी को एक साल सेना में भेज दीजिए, अग्निपथ की योजना के जरिए सब फोटो नहीं देखा। अच्छा फोटो तो वो तो आपने देखा नहीं, अशोक स्तंभ का अनावरण हुआ, सबसे पहले फोटो, आप बताइए, वो तो फोटो कैमरा, केबल कैमरा के साथ चलते हैं वो। आखिर देश को क्या चाहिए, आज सीएमआई की रिपोर्ट उठाइए आप, तो देश को आपसे, आपको क्या चाहिए देश से? देश से हमें चाहिए कि प्रधानमंत्री जी 11 लाख रुपए लीजिए और पद से इस्तीफा दीजिए, क्योंकि आप देश के युवाओं को आप 11 लाख रुपए दे रहे हैं, आप 11 लाख लीजिए और पद से इस्तीफा दीजिए, क्योंकि देश की जनता अब आपसे सवाल पूछेगी, आप अगर डरते हैं तो आप कुर्सी छोड़ दीजिए, अब युवा कुर्सी छीनने का काम करेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को युवा ने, तो कह रहे कि हमको युवा ने वोट दिया, तो युवा क्यों छीने, युवा ने वोट दिया कि ईवीएम मशीन के द्वारा हथियाया गया है सत्ता, आपने देखा नहीं महाराष्ट्र में आपने तानाशाही के जरिए सत्ता हथियाने का काम किया, आपने मध्य प्रदेश में तानाशाही के जरिए सत्ता हथियाने का काम किया, अपनी सत्ता बनाना चाहते हैं, लेकिन अब देश की जनता आपके खिलाफ हमेशा खड़ा होने का काम करेगी। एक मैं कह देता हूं, विनाश काले विपरीत बुद्धि, भारतीय जनता पार्टी का विनाश होने का समय आ गया है, और आप भी पत्रकारिता का माइक छोड़ दीजिए आप, अगर भारतीय जनता पार्टी से डर लगता हो, वरना सीने से योजनाओं तो तुम्हें क्यों तकलीफ हो, अरे कौन सी योजना मोदी, कौन सी मोदी, फिर मोदी 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 लगाए हो, कौन सी योजना, कौन सी योजना मोदी जी ने लाई, चश्मा लगा लिए हो, दूरबीन है अमित शाह जी जैसे, अमित शाह ने देश की जनता को गुमराह किया उत्तर प्रदेश में, दूरबीन लगा के उत्तर प्रदेश में जाके देखिए एक तरफा, अरे अभी खबर नहीं देखी, अयोध्या में बुलडोजर चल रहा है, जो लोग राम राज्य की कल्पना करते थे, चौड़ीकरण के नाम पे सबके घरों पे बुलडोजर चलाया जा रहा है, तो उद्घाटन, अच्छा योगी आदित्यनाथ जी एक तरफ उद्घाटन करेंगे और उनके अंधभक्त जाके कहेंगे बुलडोजर चलाइए, चलवाना चाहिए, अरे कहीं आप बताइए, वही तो कहते हैं दोहरीकरण की राजनीति, ये कहीं ना कहीं चोला पहन के बेचना चाहते हैं, एक तरफ अंधभक्तों को लगाएंगे और ये जो सेनाएं हैं उनको लगाने का काम करेंगे, उसमें कार्रवाई क्यों नहीं हुई, नमाज पढ़ रहे हैं, अरे आप बताइए, आप बताइए, भारत 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 की सांस्कृतिक है, मैं पूजा पाठ और कहीं भी कर सकता हूँ, ये कोई स्थान निर्धारित नहीं है। अगर आप बताइए, आपका एक समय होता है 5 वक्त की नमाज होती है, अगर आपके नियर बाय कोई मस्जिद नहीं है तो आप नमाज कहीं भी पढ़ सकते हैं, नमाज पढ़ी जाएगी। अरे देखिए मोदी जी उद्घाटन लुलु मॉल क्यों गई, यूसुफ नाम था भाई, नहीं जाना चाहिए था उद्घाटन करने, क्योंकि मोदी जी कहते हैं कि उनसे खतरा है, अरे मोदी हो या योगी हो नाम तो दोनों ढोंगी है, पीएचपी के राम कैसे हैं और वाकई में त्रेता युग के राम कैसे हैं, उसी तरीके से आपने देखा होगा अशोक स्तंभ, सम्राट नरेंद्र दामोदर दास मोदी के वक्त में जो अशोक स्तंभ बना हुआ है वो कैसा है, और जो सम्राट अशोक के कार्यकाल में जो बना हुआ अशोक स्तंभ वो कैसा आपको दिखाई दे रहा हो, बीएचपी में भगवान राम उग्र है, भगवान राम उग्र नहीं थे कभी, उसी उसी तरीके से इस भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में सेंट्रल विस्टा के प्रोजेक्ट में शेर जो है वो धाड़ आदमखोर, मतलब देश की जनता को खाने के लिए, हाँ तो ये आदमखोर सरकार प्रतीक बनाया क्या पहले सोच समझ कौन सी, अरे देखिए आप कहेंगे कुछ दिन बाद माफी मांगेंगे, कहेंगे मुझे नहीं पता है कारीगरों ने ऐसा ज्यादा मुंह खोल दिया, क्योंकि मोदी जी हमेशा मुंह खोलते रहते हैं, कारीगर तो कह रहे कि जो सारनाथ में जो तस्वीर है उससे ली गई है, उसी से बनाई, उससे ली गई है, तो उससे पहले आप जाके बताइए दिल्ली के उसमें लोगों में जाके देखिए अशोक स्तंभ का चिन्ह, शेर का मुंह छोटा सा, क्योंकि शांति का प्रतीक है, भारत सभी का देश है, लेकिन लोगों को एक मुद्दा बनाना, आप जैसे क्या होता है, आप जैसे क्या होता है मुद्दा, आप जैसे क्या बनाना, मुद्दा क्या बनाना है, मुद्दा कौन बना रहा, मुद्दा कौन, 4 साल की कोई नौकरी होती है, अशोक स्तंभ आप बताइए, देश को सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट कहिए जाती, देश के युवाओं को नौकरी चाहिए थी, कह रहे थे कि वहाँ पे जो है ना मंदिर देखा है अशोक, अरे नहीं तो अशोक स्तंभ मंदिर, तो भाई मंदिर आप बताइए, मंदिरें बनाना है तो देश, हाँ तो सब जगह मंदिर, विष्णु स्तंभ है, लेकिन अब क्या बताए, देश के मोदी जी धर्म के विरुद्ध है, ये धर्म के नाम पे लूटना चाहते हैं, आप बताइए पूरे देश में मंदिर बनवा दीजिए, जो धर्म की रक्षा कर रहे हैं कौन सा धर्म है, सर्वे भवन्तु सुखिनाम, सर्वे भवन्तु सुखिनाम, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, धर्म का व्यापार नहीं करते हैं, इन्होंने धर्म का व्यापार किया है, ऐसे व्यापारी लोगों को सत्ता से बेदखल करने की जरूरत है, आपकी रक्षा के लिए बीएचपी जो है
हेल्पलाइन नंबर निकाला अभी की रक्षा के लिए, फिर भी विरोध। आप बताइए हमारी रक्षा, आप बताइए मंदिर पे बुलडोजर चलवाएंगे और आप कहेंगे भारतीय जनता पार्टी रक्षा कर रही है आपका। हिंदू खतरे में होगा नंबर से हेल्प। हिंदू खतरे में नहीं है, ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है, मोदी जी की कुर्सी खतरे में है। ये सरकार कहीं ना कहीं दंगे पे बात नहीं करेगी। प्रधानमंत्री का कुछ अच्छा क्यों नहीं लगता भाई? प्रधानमंत्री जी अगर 8 साल में कोई अच्छा काम किए होते तो अच्छा लगता। राम मंदिर पर बात, अरे आप बताइए राम मंदिर पर, हमारे भगवान राम पहले थे, हमारे भगवान राम त्रेता युग से हैं। कलयुग में नहीं भगवान राम को लाए हैं ये, हमारे भगवान राम त्रेता युग से हैं। ये कलयुग में इन्होंने भगवान को बेच के सत्ता हथियाई है। आप देखिए, जैसे आपने देखा होगा वहाँ बनारस में, अब ये लोग भगवान हमारे शंकर जी को कैद कर दिए हैं। अब पता नहीं कब उनका दरवाजा खोलेंगे। ये कहीं ना कहीं धर्म के नाम पे ये सत्ता के लोभी लोग हैं, और जो लोग अगर धर्म की राजनीति करेंगे तो उनको सत्ता से बेदखल किया जाएगा। चलिए शुक्रिया।